हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस बहुत ही खूबसूरत से सक्यूलेंट की बात करने वाली हूँ। इसको कहते हैं टेंगल्ड हार्ट। ये देखिए, टेंगल्ड हार्ट वाइन, या इसको जो है वो पिल्लो प्लांट भी कहा जाता है और स्वीडिश आईवी भी बोलते हैं इसको, पर ज़्यादा कॉमन नेम इसका टेंगल्ड हार्ट है। और ये देखिए, ये ऐसे लगते हैं, इसकी हार्ट शेप, ये देखिए, ये वाली दिखाना, हार्ट शेप पत्तियां हैं और ऐसा लगता है एक स्ट्रिंग, मतलब एक धागे के ऊपर ये हार्ट जो है वो ऐसे नीचे की तरफ गिर रहे हैं। बहुत सारे हार्ट्स देखिए, ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं हार्ट्स लगे हुए। तो ये इसलिए इसको टेंगल्ड हार्ट वाइन कहा जाता है। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है और बड़ा खूबसूरत लगता है। आप इसको छोटे से छोटे जगह में भी लगा लें आप, तो ऐसे नीचे वाइन है ये, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे गिरता है। हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। बस आपको इसको धूप में नहीं लगाना है, धूप में भी ये चल जाएगा प्लांट आपका, बिल्कुल नहीं मरेगा, लेकिन इसकी सारी शो ख़त्म हो जाती है धूप में। ये जो पत्तियाँ हैं ये लाल लाल सी छोटी छोटी हो जाएंगी और इसके बीच का स्ट्रेचिंग हो जाएगी, स्टेम लंबा लंबा हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपका पौधा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो धूप में, और पीली पीली हो जाती हैं इसकी पत्तियाँ, तो चल जाता है धूप में भी। अगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, आप राजस्थान वगैरह में नहीं रहते हैं, तो धूप में भी चल जाएगा, लेकिन फिर खूबसूरत नहीं लगता। अभी आप देखिए कितना ये लाइवली और एकदम अच्छा लग रहा है आपको प्लांट, और धूप में ये अच्छी तरह नहीं चलता। तो इसको धूप में नहीं रखना चाहिए, या तो इसको आप शेड में रखें या ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट वगैरह में अच्छा चलता है, या फिर जैसे सुबह की थोड़ी सी धूप मिल जाए या शाम की मिल जाए, दोपहर की बिल्कुल जो तेज़ धूप होती है वो ना मिले, तो ये अच्छा चलता है। धूप में भी चल जाएगा लेकिन वो अच्छा नहीं चलता। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत शैलो होती हैं, सक्यूलेंट है तो पत्तियों में ये वाटर को स्टोर करता है। तो इसकी देखिए ये जो पत्तियां हैं, देखिए मैं इसको ऐसे, देखिए इसमें से पानी निकल रहा है, इसकी पत्तियों में पानी होता है। और इसकी जड़ें बड़ी शैलो होती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं जाती, बस सुपरफिशियली रहती हैं इसकी जड़ें, तो इसलिए ये छोटी से छोटी जगह में, बहुत ज़्यादा गहरा बर्तन हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है पॉट इसके लिए, ये शैलो में भी लग जाता है। और इसको पानी जो है वो करीब करीब, जैसे मिट्टी इसकी वेल ड्रेन लें, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी में पानी नहीं रुके, क्योंकि एक तो इसकी जड़ें शैलो हैं और दूसरा क्या है कि ये सक्यूलेंट प्लांट है, तो बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा इसके लिए। तो और मिट्टी जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पानी को होल्ड करे, तो मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनाए, उसके लिए आप दो हिस्से रिवर सैंड ले लें, एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा उसमें खाद मिला लें। इवन इसको खाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप खाली मिट्टी और रिवर सैंड मिला के भी इसको लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी सी भी एक आधी मुट्ठी खाद डाल देंगे, उससे भी इसकी जो मिट्टी है वो तैयार हो जाएगी। तो वेल ड्रेन, वेरी वेल ड्रेन सॉइल लें और उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड भी डाल दें, ताकि कभी कोई पानी आपने 19-21 दे दिया तो फंगस आपके पौधे को, जड़ों को ख़राब नहीं करें। तो ऐसे इसकी मिट्टी तैयार कर लें और पानी जैसे आप दूसरे पौधों को दें, मॉइस्ट रखें इसकी मिट्टी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करें। एक दिन छोड़ देंगे पानी देना तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ओवर वाटरिंग नुकसान करेगी। मैं अपने पौधों को पानी देती हूँ, इसको भी देती हूँ, रोज़ करीब दे ही देती हूँ मैं तो। आप एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं, अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी ज़्यादा पानी को होल्ड करती है तो पानी फिर इसको आप कम दें। इसको पानी का मिस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, पानी इसके ऊपर स्प्रे करें या मिस्टिंग करें, जैसे पानी पौधों को दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो इसकी पत्तों पर जमी हुई डर्ट जो है वो, डस्ट जो है वो निकल जाती है और पत्तों में शाइन आती है बहुत ज़्यादा, तो वो आप इसको मिस्टिंग इसकी करें रोज, तो इसको बहुत अच्छा लगता है इस पौधे को। और जैसे मैंने कहा कि ये हैंगिंग बास्केट्स वगैरह में अच्छा चलता है। फर्टिलाइज़र इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे और पौधों को 15 दिन में देते हैं, इसको महीने में एक थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, उसके बाद ऐसा इसको कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए कि हाँ आप इसको फरवरी में दे रहे हैं
या सितंबर में दे रहे हैं, ऐसा कुछ इसको फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे मैंने कहा हैंगिंग बास्केट में चलता है, कंटेनर गार्डन में भी ऐसे स्पिलर की तरह बहुत अच्छा काम करेगा और रॉक गार्डन्स में भी चल जाता है। और ये जो है जैसे आपके बड़े पौधे होते हैं ना, जैसे मैं 16 इंच के गमलों में 20 इंच के गमलों में जो पौधे लगाती हूँ, उनमें क्या होता है कि मैं नीचे एज अ मल्च या वैसे नीचे जैसे मैं दूसरे और पौधे लगा देती हूँ, या आप लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप देखते हो मैं थाइमोफिला सर्दियों में लगाती हूँ ऊपर चंपा के गमलों में, तो वैसे बड़े गमलों के नीचे इसको आप ऐसे लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इस वाले में तो मैंने ये टर्टल वाइन भी लगाया हुआ है, टर्टल वाइन भी बहुत ज़्यादा धूप में नहीं चलती है, ये भी हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छी बनती है और इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये देखिए मुझे ये हर जगह मिलता भी नहीं है और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, एक बार आपके पास आ जाएगा तो जैसे टर्टल वाइन है उसको मल्टीप्लाई करते रहो। जैसे इसकी छोटी छोटी सी आप कटिंग्स देखिए, इतनी इतनी छोटी कटिंग्स भी लेके दिखाती हूँ, गिर गई है एक्चुअली, दूसरा दिखाती हूँ, इतनी छोटी छोटी कटिंग्स भी अगर आप इसकी लेके लगाएंगे ना, देखिए इतनी छोटी छोटी सी, तो वो भी बस इतनी ही कटिंग लेनी है एक्चुअली, इसकी छोटी छोटी कटिंग लेके गमले में 3-4-5 कटिंग्स लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए, तो उससे ये क्या होगा, अब जैसे देखिए मैं इस कटिंग को यहीं थोड़ा सा उंगली से होल करके, और बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगानी है, जैसे मैंने कहा इसका रूट सिस्टम बहुत शैलो होता है, ऊपर ऊपर ही रहती हैं इसकी जड़ें, ज़्यादा नीची नहीं जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा गमला गहरा ऐसा ज़रूरत नहीं है, मतलब आप लगा सकते हैं जैसे में भी। पानी का आप ध्यान रखें कि बहुत जड़ों को पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा थोड़ा पानी दे दें रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के दे दें, नहलाना, मिस्टिंग इसको बहुत पसंद है। और बस खाद मैंने बता दिया आपको, महीने में एक बार देनी है। बहुत खूबसूरत सा पौधा है ये, मुझे बड़ा मुश्किल से मिला है, नर्सरीज़ में कई बार ढूंढती रही हूँ मैं, और बस अब एक बार मिल गया तो बस अब इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।